बिल्कुल जो है, और भूख इतनी ज्यादा लग चुकी है कि मैं जिधर गोश्त वगैरह किया हुआ है। वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जनाबे वाला, सबसे पहले आप सबको वेलकम टू स्लो व्लॉग्स। तो आज का दिन बहुत ही अजीम दिन है, आज का दिन है ईद का दिन। सबको मेरी तरफ से, स्लो व्लॉग्स की तरफ से ईद मुबारक, आपके घर वालों को ईद मुबारक और सब खुश बाश रहें। और जनाबे वाला, तो आज मैं जल्दी उठ गया क्योंकि ईद की नमाज है। अच्छा, उसके बाद व्लॉग्स वगैरह बनाने हैं बहुत सारे। इतना प्यारा मौसम हो तो व्लॉग्स तो बनाने होते हैं। तो मैं कहता हूँ क्या बात है, गांव में आ गए तो मज़ा ही आ गया। क्या बोला तूने? अभी मैं बिल्कुल अभी उठा हूँ, मुंह धोया है, तो मैंने कहा अभी तैयार होते हैं फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर आपसे तैयार होने के बाद। हाँ जी, तो आ चुके हैं यार, अभी तुम तैयार हो गए, तो चलते हैं फिर मस्जिद की तरफ, नमाज वमाज पढ़ते हैं चल के। तो चलते हैं मस्जिद, नमाज पढ़ते हैं। मौसम माशाल्लाह बड़ा ही पप्पू हो गया इधर तो, सीन तो क्या ही बात है। तो बारिश हो रही है बाहर हल्की हल्की, ठीक है। और वो बकरा हमारा उस साइड पे बंधा हुआ है, तो वापसी मस्जिद से आके मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आगे बहुत से चैलेंजेस रखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले पंजाबी चैलेंज, चलो बुला रहे हैं मस्जिद में, वो कह रहे हैं आज उतर ब्लॉक बंद करो अपना, तो चलते हैं फिर मस्जिद में। बिल्कुल ठीक। ए वन, तुम करते हो? तुम्हें व्लॉगिंग आती है करने? तुम्हें व्लॉग बनाना आता है? हाँ। कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं व्लॉग? तुम बनाना। मैं बनाता हूँ, तुम्हें कैसे पता है? अच्छा, ये ऐनक उतार के दिखाओ ना, उनको नजर ही नहीं आ रही तुम्हारी आंखें। ऐनक उतारो। तो अभी हम जा रहे हैं जिधर गोश्त वगैरह किया हुआ है, ठीक है। तो अभी वो गोश्त लेने के लिए अभी हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। मतलब अभी हुआ है कुर्बानी, नहीं हुई तो क्या बताएं आपको, नमाज शमाज हो गई है अभी बिल्कुल जो है, और भूख इतनी ज़्यादा लग चुकी है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अभी मैं आया हुआ हूँ इस देर एक जगह पर, गाँव के बिल्कुल साथ ही है, यहाँ पर गोश्त वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। कुर्बानी वगैरह की थी तो मामूल लोग जो हैं उन्होंने हिस्सा वगैरह डाला हुआ था, तो बस उसी का गोश्त वगैरह इकट्ठा करने के लिए आए हैं अभी। तो यहाँ से गोश्त लेंगे इंशाल्लाह, घर जाएंगे और घर जाकर फिर बीफ कढ़ाई बनेगी। ब्यूटीफुल। तो आज का व्लॉग बड़ा अच्छा होने वाला है, साथ रहिए। तो मैं कहता हूँ इस दफ़ा जो है ना खुल के मज़ा आने वाला है, तो साथ साथ व्लॉग चलेंगे, साथ साथ वाइब्स चलेंगे, साथ साथ सब कुछ चलेंगे। और ये जो करतूत नज़र आ रहा है आपको, ये कल छोटा कज़न था तो उसने सर मारा और ये नीचे गिरा दिया। ये मैंने बड़े मुश्किलों से लगवाया था ये चीज़ जो है, ये मेरा जो है ना बड़ा ड्रीम था ये चीज़, बड़ी लग्जरी फीलिंग आती है इससे, इसकी जब लाइट्स ऑन होती है ना थोड़ा मज़ा करती है। लेकिन ये आप टूट गए हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा इसको फिक्स करवाते हैं। तो चलते हैं अभी अंदर, आपको दिखाता हूँ मैं बीफ, कुछ लोगों की तो उल्टियाँ निकलेंगी लेकिन कुछ लोगों को तो बहुत मज़ा आता है भाई ये चीज़ देखते हुए। तो चलते हैं जनाबे वाला अंदर। इतना सुकून।
moments later. अभी बिल्कुल मैं अभी घर एंटर हुआ हूँ, ले आए हैं गोश्त वगैरह, तो बस अभी पक चुका है मेरा ख्याल है, मैं ज़रा लेट गया था तो अभी गोश्त मेरा ख्याल है पक चुका है, तो चलते हैं खाते हैं। और बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है अभी मुझे, और पहले सुबह मौसम बहुत अच्छा था लेकिन अभी गर्मी हो गई है। हाँ जी, तो जनाबे वाला गोश्त खाने के बाद नींद आ गई है बहुत शदीद किस्म की तो मैं ज़रा आँख लगाई और सो गया काफ़ी देर। अभी सनसेट हो रहा है तो बड़ा ही प्यारा सीन है, कहीं भी नहीं जाने हुआ आज मेरे से, घर ही सोया रहा मैं तो आज, जो सच्ची बात है। तो इंशाल्लाह सुबह के बहुत से प्लान हैं, ठीक है, जिसमें हॉर्स राइडिंग है, जिसमें और बहुत मस्ती है, मेला है, ठीक है, तो इंशाल्लाह सुबह बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही हम ख़त्म करते हैं, ठीक है, बस एक वीडियो देखिए एंड वाली। चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए और आप आ जाओ बीच में। 2000 years later. प्यार मेरे नू तू मजाक समझ के बैठे, मैं सब समझदा तुझे आंख समझ के बैठे, तू वक्त नहीं दिंदा तू अज तो पलदा, तेनु पता नहीं शायद इश्क विच इंज नहीं चलदा, मेनू तू जुत्ती थले रख दे। वाह 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 वाह।